हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी और फिर से आज आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ कंसल्टेंट में। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज मैं एंटीबायोटिक के जो सीरीज स्टार्ट किया है उसके सीरीज में एक आगे का इंजेक्शन बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, और इस इंजेक्शन के बारे में मैं डिटेल बात आज करने वाला हूँ। तो आज जिस ग्रुप के बारे में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, और इस ग्रुप में खास करके इंजेक्शन ज़्यादा हैं, ये ग्रुप का नाम है एमिनोग्लाइकोसाइड्स। फ्रेंड्स, एमिनोग्लाइकोसाइड्स में भी बहुत सारे इंजेक्शन्स हैं, तो उन इंजेक्शन का हम स्टेप बाय स्टेप नॉलेज लेंगे, और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छे इंजेक्शन की जानकारी भी मैं आज डिटेल में देने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, एमिनोग्लाइकोसाइड ये जो एंटीबायोटिक्स हैं फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, और मेनली इसमें इंजेक्शन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपने सुना ही होगा जेंटामाइसिन, अमिकासिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, ट्यूबरामाइसिन, ऐसे जो कंटेंट आते हैं फ्रेंड्स, कैनामाइसिन, ये सभी कंटेंट जो है ये एमिनोग्लाइकोसाइड ग्रुप में पाए जाते हैं। मोस्टली इसमें के तीन चार इंजेक्शन बहुत ज़्यादा वापर जाते हैं, हर इंजेक्शन इसमें का वापर जाता है। और इस इंजेक्शन की बात अगर की जाए फ्रेंड्स, तो इस इंजेक्शन में जो मेनली मैं बात करने वाला हूँ, मैं आज दो तीन इंजेक्शन्स की आपको ज़्यादा जानकारी दूंगा। सब में पहले तो मैं एमिनोग्लाइकोसाइड का जो इंजेक्शन मैं आपको बताने वाला हूँ, ये इंजेक्शन है एम्बिस्ट्रिनियस, इसका नाम है एम्बिस्ट्रिनियस फ्रेंड्स। और आपको पता नहीं होगा या पता होगा, मैं आपको बताऊंगा, इसका जो कंटेंट है ये कंटेंट है स्ट्रिप्टोमाइसिन। फ्रेंड्स, मैंने स्ट्रिप्टोमाइसिन के बारे में आपको पिछले एक वीडियो में थोड़ी सी जानकारी दी थी, या अगर आपको याद है तो हमने ट्यूबरक्लोसिस का एक टीबी का एक वीडियो बनाया था, उस पर स्ट्रिप्टोमाइसिन इंजेक्शन की बात की थी। तो स्ट्रिप्टोमाइसिन इंजेक्शन एज ऑफकोर्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है फ्रेंड्स, ये एमिनोग्लाइकोसाइड ग्रुप ही है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है ये। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट, यूरिन ट्रैक्ट, प्लैक्यू, मेनिनजाइटिस या ग्राम निगेटिव जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन सभी को ये किल करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है फ्रेंड्स। तो मोस्टली स्ट्रिप्टोमाइसिन के बारे में मैं बताऊँगा, एम्बिस्ट्रिनियस जो इंजेक्शन है 0.75 ग्राम का ये इंजेक्शन होता है फ्रेंड्स, और इसको हम कमर में देते हैं। स्ट्रिप्टोमाइसिन का यूज़ ओनली फॉर ट्यूबरक्लोसिस और क्या बोलते हैं उसको, RTI, UTI, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, गैस्ट्रो में कोई भी प्रॉब्लम है तो ट्यूबरक्लोसिस एसकोस। और ये जो इंजेक्शन का जो मेन रोल है फ्रेंड्स, ये OD दिया जाता है, इसको हफ्ते में 5 दिन या डेली ऐसा भी वापरा जाता है। तो कमर में इसको देते हैं हम, तो इसको जब हम देते हैं तो इसका हमें बराबर ध्यान देना चाहिए, जिस जगह पे कमर में दिया जा रहा है वहाँ पे भी हमें कमर की जगह बदल कर इसको जो है वापरना पड़ता है फ्रेंड्स। अल्टरनेट कमर, मतलब एक दिन राइट साइड के बटक में देना है, एक दिन लेफ्ट साइड के बटक में देना है, ऐसा इसको ट्यूबरक्लोसिस में 2 महीने का मैंने बताया था, पहले इसका 3 महीने का डिस्क्रिप्शन था, पर 2 महीने ये दिया जा सकता है फ्रेंड्स। और ये ट्यूबरक्लोस, ये स्ट्रिप्टोमाइसिन का इंजेक्शन जो है ऐसे पेशेंट्स में बहुत काम में आता है, जो टीबी के केसेस जो रिलैप्स हुए हैं थर्ड टाइम जो भी रिलैप्स हुए हैं, तो इसका यूज़ उनमें बहुत ज़्यादा होता है। तभी भी हम जब इंजेक्शन दूसरे टैबलेट भी जब वापर रहे हैं इसके साथ एंटी ट्यूबरकुलर, तो ये अगर वापर रहे हैं बोलकर वो ट्यूबरकुलर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग बंद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, इसका टॉक्सिक नेचर बहुत ज़्यादा है, ये जो है रिनोटॉक्सिक है, किडनी के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर होता है, तो किडनी के जो है रीडिंग्स को हमें मेजर रखना पड़ता है, कि किडनी KFT जो टेस्ट होता है, क्रिएटिनिन, उसको रूटीनली चेकअप करना है, इसके कोई साइड इफेक्ट है क्या, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है क्या, कोई रैशेस है क्या, हेडेक है क्या, BP कम ज़्यादा होता है क्या, ऐसा